मैं एक आग लेकर इस संसार में आया हूँ, आग शांति का, आग प्यार का, आग न्याय का, आग भाईचारे का। प्रिय मित्रों, कैथोलिक डायसिस ऑफ लखनऊ के इस यूट्यूब के चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मनन चिंतन का विषय है ख्रिस्त हम सबका राजा। इस महीने के 22 तारीख इतवार को हम ख्रिस्त राजा का पर्व मनाते हैं। संपूर्ण कलीसिया पूजन पद्धति के अंतिम इतवार को ख्रिस्त राजा का महोत्सव मनाती है। जब हम राजा के बारे में सुनते हैं, राजा शब्द सुनते ही हमारे सामने एक आलीशान तस्वीर उभर कर आती है। राजा वो होता है जिसके पास राज्य होता है, जिसके पास आलीशान महल होता है, जिसके कपड़ों में हीरे और जवाहरात जड़े होते हैं, जिसके पास सैकड़ों नौकर चाकर रहते हैं, जिसके सर पर सोने का मुकुट होता है, और उसको हम राजा कहते हैं। प्रभु येसु के जन्म के समय में भी यही घोषणा की गई थी। गैब्रियल दूत माता मरियम के पास जाकर कहता है, लूकस के अध्याय 1 पद संख्या 32 से 33 में हम सुनते हैं, गैब्रियल दूत मरियम से कहता है, आप एक पुत्र को प्रसव करेंगे, वो महान होंगे, आप उनका नाम इमानुएल रखेंगे, वो दाऊद के घराने पर राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। जिस राजा के राज्य का अंत नहीं होता है उसका नाम यीशु ख्रिस्त है, और उसी को सारे संसार, पृथ्वी और स्वर्ग के राजा के रूप में हम मानते हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में अनेक राजा महाराजा हुए। अलेक्जेंडर एक महान सम्राट था, लेकिन उसके राज्य का अंत हुआ। नेपोलियन, हिटलर एक महान राजा के रूप में हम जानते हैं, लेकिन उनके राज्य का भी अंत हो गया। लेकिन एक ऐसा राजा है जिसके राज्य का कभी अंत नहीं हुआ है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, और उसका राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य है। यहूदी नेताओं ने उनके मृत्यु के बाद सोचा था कि उसके राज्य का अंत हो गया है। जब उन्होंने उनको कब्र पर रखा, पहरेदारों को नियुक्त किया, और उन्होंने सोचा उस राजा के राज्य का अंत हुआ है, लेकिन वही राजा महान बन के कब्र के पत्थर को हटाकर पुनर्जीवित होकर उन्होंने हमारे सामने घोषित किया है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं। प्रभु येसु को हम एक शांति के राजा के रूप में मानते हैं। उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं शांति लेकर इस दुनिया में आया हूँ, और इस संसार से जाते समय भी उन्होंने शिष्यों से कहा था, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करूँगा। हमेशा उन्होंने ये कहा, मैं एक आग लेकर इस संसार में आया हूँ, आग शांति का, आग प्यार का, आग न्याय का, आग भाईचारे का। और उन्होंने जिस प्रजा ने भी इस राजा का संपर्क किया, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। ये एक प्रेम के राजा के रूप में जाना जाता है। प्रभु येसु प्रेम का राजा है। जैसे अकबर और बीरबल की एक सुंदर कहानी है। अकबर ने एक बार बीरबल को बोला के उन्होंने ये पूछा, मैंने पवित्र पुस्तक योहन के अध्याय 3 पद संख्या 16 में ये पढ़ा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को उन्होंने इस संसार में भेज दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसने अपने पुत्र को क्यों भेजा? उनके पास नौकर चाकर थे,
उनके पास सैनिक थे या स्वर्गदूत थे, उनको क्यों नहीं भेजा? बीरबल ने कहा, महाशय, इसका उत्तर देने के लिए मुझे समय दे दीजिए। उनको एक महीने का समय दिया गया। उस समय में बीरबल ने एक नाव बनाया और नाव तैयार होते ही उन्होंने कहा, हम नदी के उस पार जाएंगे। अकबर का छोटा बेटा, नाव चलाने वाला नाविक और बीरबल उसमें बैठे हुए थे। एक जगह जब अकबर का छोटा सा बेटा पानी में खेल रहा था, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिरा। तुरंत अकबर पानी में कूद पड़ा और उन्होंने अपने बेटे को बचाया। बीरबल ने उनसे पूछा, महाशय, मैं यहाँ पर था, मैं तैरने जानता हूँ। यहाँ नाव चलाने वाला नाविक है, वो भी तैरने जानता है, लेकिन आप क्यों कूद पड़े? उन्होंने कहा, यह मेरा बेटा है, यह मेरा इकलौता है, मैं इससे प्यार करता हूँ। बीरबल ने कहा, आपने मुझे सवाल पूछा था, ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों इस संसार में भेज दिया? उन्होंने देखा कि पाप रूपी सागर में इंसान डूब रहा था और उस मनुष्य को डूबने से बचाने के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में कूद पड़ता है, इसलिए वो हमेशा प्रेम के राजा के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम अक्सर यही गीत गाते हैं, सर पे कांटों का ताज लिए, कंधों पे क्रूस का बार लिए, दीन दुखी की आवाज लिए, दिल टूटता जाता है लेकिन उसके आंखों में ता प्यार। वो प्यार जो भी अनुभव करता है उसका जीवन बदल जाता है। संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, संत पौलुस क्रिश्चियों पर अत्याचार करता था और क्रिश्चियों का खून बहाना चाहता था, लेकिन दमस्कस जाते समय उसकी भेंट उस राजा से होती है जिसके कारण उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वहां पर प्रभु उनसे पूछते हैं, सौल सौल, तुम क्यों मुझे सताते हो? और वो सब प्रभु से पूछते हैं, आप कौन हैं? और आप प्रभु ने उत्तर देते हैं, मैं क्रिस्त हूँ, मैं प्रभु हूँ, तुम मुझे सताते हो। और जब संत पौलुस इस महान राजा के प्रेम को अनुभव करता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है और ये वो कहने लगता है, अब मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है, मैं उसके लिए बुलाया गया हूँ, उसका सुसमाचार फैलाने के लिए मुझे आज्ञा मिली है, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। और वो संत पौलुस प्रभु के प्रेम को अनुभव करते हुए उस प्रेम को चारों ओर फैलाता है और अंत में भी वो खुशी महसूस करता है और कहता है, मैं अपना दौड़ चुका हूँ, मैंने अपना जो सफ़र है मैंने पूरा किया है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है प्रभु के खातिर किया है। यह है संत पौलुस की मुलाकात उस राजा से। उस मुलाकात ने उनके जीवन को बदल दिया। हम देखते हैं असीसी के संत फ्रांसिस एक बहुत बड़ा सैनिक बनना चाहते थे और सैनिक में नाम कमाना चाहते थे। और एक बार वो पेरुजिया में घोड़े पर सवार होकर पेरुजिया शहर जाते हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनको बंदी बना दिया जाता है। एक साल बंदी बनाने के बाद जब वो वापस लौटते हैं, उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो आवाज़ कहती है, अगर तुम सैनिक बनना चाहते हो, प्रभु के सैनिक बनो। और प्रभु का सैनिक वो बनता है और प्रभु के प्रेम को वो दूसरों तक फैलाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रभु के जन्म के समय ये घोषणा की थी, वो एक राजा है, और मृत्यु के समय भी एक घोषणा होती है, वो सचमुच में राजा है। भले डाकू को उनके साथ क्रूस पर टांगा जाता है, वो डाकू
प्रभु के राजत्व को वो पहचान लेते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु जब आप अपने राज्य में जाएंगे मुझे याद कीजिए। और प्रभु कहते हैं, तुम आज ही स्वर्ग में मेरे साथ होगे। वो राजा महान राजा हैं, और जिस किसी की मुलाकात उस राजा से होती है उनका जीवन बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये राजा बंदूक तोपों से नहीं, सिपाही फौजियों से नहीं, रॉकेट बॉम्ब से नहीं, लेकिन प्रेम से राज्य करने वाला राजा है। और जो कोई इस राजा को अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने पल्लियों में जगह देता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। चाहे कितने ही दुख या कठिनाई हमारे जीवन में क्यों ना हो, अगर हम उस राजा को हमारे जीवन में अपनाएंगे, अगर हम उस राजा को अपने परिवार में बुलाएंगे, हमारे दुखों को वो हल्का करके हमें शांति एवं प्रेम का अनुभव करने की कृपा वो प्रदान करेंगे। तो आइए हम क्रिस्त राजा के इस पर्व को मनाते समय उस प्रेम के राजा को, उस शांति के राजा को, उस भाईचारे के राजा को अपने दिलों में, अपने जीवन में, अपने पल्लियों में, अपने समुदायों में, अपने परिवार में हमेशा जगह दें और आप उनकी हमेशा स्तुति एवं महिमा करें। आप सब पर प्रभु यीशु अपने आशीष बरसाएं। जय यीशु।